दिनों चर्चा में छा गया पाकिस्तान का मौलाना। प्रयागराज में बस कंडक्टर की मौत के बाद नाम सामने आया। खादिम रिजवी से आरोपी लारे हाशमी का तार कैसे जुड़ा? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जी, पूछा तो जाएगा ही कि आखिर इलेक्ट्रिक बस में बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर चापड़ से जानलेवा हमला करने वाला लारे हाशमी पुलिस को पाकिस्तान के मौलाना के बारे में क्या बता रहा है। पाकिस्तानी मौलाना और तहरीक लब्बैक के संस्थापक खादिम हुसैन रिजवी का नाम ले रहा है, लेकिन क्यों ले रहा है ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर कौन है ये खादिम हुसैन रिजवी, जिसके विचारों से लारे हाशमी कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो गया था। हरिकेश विश्वकर्मा पर हमला करने के बाद लारे हाशमी ने जो वीडियो बनाया उसमें भी हुसैन रिजवी का वो नाम ले रहा है। इसके अलावा वो अपने वीडियो में लब्बैक शब्द का भी बार बार इस्तेमाल करता है। वीडियो में लारे हाशमी लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा भी खूब लगा रहा है। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल मर्डर केस में भी ये नारा सुनाई दिया गया था। इस नारे को खादिम हुसैन रिजवी ने ही पॉपुलर किया था। पूछताछ में लारे ने बताया, खादिम हुसैन रिजवी बरेलवी है, इसलिए मैं उनको मानता हूं, उनकी विचारधारा हम लोगों से मिलती जुलती है। अब देखते हैं मौलाना है कौन, जिससे प्रभावित होकर गंडासे से किसी का सिर काटने को ही आतुर हो गया लारे हाशमी। कौन थे खादिम हुसैन रिजवी? खादिम हुसैन रिजवी बरेलवी विचारधारा के थे और इस्लामिक स्कॉलर, लेखक और तहरीक लब्बैक संगठन के संस्थापक थे। वो इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद के जीवन और उनके विचारों पर अपने भाषणों के लिए मशहूर थे। हुसैन रिजवी ने पाकिस्तान सरकार में भी काम किया था। उन्हें कुरान मुंह जबानी याद थी और वो इस्लामी धर्मशास्त्री अहमद रजा खान बरेलवी के प्रबल अनुयायी थे। अहमद रजा खान का जन्म 19वीं सदी में अविभाजित भारत के बरेली शहर में हुआ था और उन्होंने बरेलवी विचारधारा की स्थापना की थी। खादिम हुसैन ने अहमद रजा खान को श्रद्धांजलि देने के लिए रिजवी नाम अपनाया था। जब पाकिस्तान सरकार ने हुसैन रिजवी को लाहौर की पीर मक्की मस्जिद का इमाम बनाया तो उनके भाषणों को बहुत ज्यादा पसंद किया जाने लगा था और उनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई थी। खादिम हुसैन रिजवी खुद को पैगंबर इस्लाम का चौकीदार बताते थे और हदीस के भी जानकार थे। 22 जून 1966 को एटक जिले में खादिम हुसैन रिजवी का जन्म हुआ था। एक सड़क हादसे का शिकार होने के बाद व्हीलचेयर पर वो आ गए थे और 2020 में 54 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। खादिम हुसैन पाकिस्तान में ताकतवर हो रहे इश्निंदा आंदोलन के चर्चित नेता थे। वो इस कानून के बड़े समर्थक थे और इसके गलत इस्तेमाल के आरोपों को खारिज करते थे। इसके समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान में कई कार्यक्रम भी किए थे जिन्होंने उन्हें बड़ी पहचान दिलाई थी। साल 2017 में इस्लामाबाद के फैजाबाद में इश्निंदा कानून के समर्थन में एक धरने से हुसैन रिजवी को असली पहचान मिली थी। इश्निंदा कानून में बदलाव के विरोध में उन्होंने धरना दिया था जनवरी 2017 में। खादिम हुसैन रिजवी ने लाहौर में इश्निंदा कानून के समर्थन में रैली निकाली थी। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था और पंजाब सरकार ने उन्हें फोर्थ शेड्यूल में रखा था। फोर्थ शेड्यूल मतलब ये है कि वो प्रशासन की बिना अनुमति के न तो कहीं आ सकते हैं और न ही कहीं जा सकते थे। इन्हीं खादिम हुसैन से लारे हाशमी प्रभावित था, जिसने बस कंडक्टर पर हमला कर दिया था। वजह बताई गई कि बस कंडक्टर ने उसके दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती की थी। लारे के मुताबिक बस कंडक्टर ने उसे कहा था कि उसने उस जैसी दाढ़ी वाले बहुत देखे हैं और ये बात लारे को बहुत बुरी लग गई थी। वैसे ये जो पाकिस्तान से लारे हाशमी का कनेक्शन सामने आया है, ये जो खादिम हुसैन रिजवी से लारे प्रभावित नजर आया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।